तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में मंगलवार को योग दिवस के उपलक्ष्य में योग का कार्यक्रम होने के बाद खेल स्पर्धा का आगाज हुआ। बच्चों ने विभिन्न प्रकार के योग करके दिखाए। स्पर्धा का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने दीप प्रज्वलित करके किया। दीप प्रज्वलन में उनके साथ सुरेश जैन, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, राजपाल सिंह चौहान, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, डॉक्टर शेफाली चौहान, राजन बिश्नोई, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, अवधेश अग्रवाल, ठाकुर मनीष सिंह, अभिषेक सिंह, निशु, अरुण पंडित आदि उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि खेल स्पर्धा का मुख्य उद्देश्य खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाना, उन्हें और अधिक प्रतिभान बनाना, जिससे आगे चलकर युवाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकेगा। इसी उद्देश्य से प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए जनपद स्तरीय एवं तहसील स्तरीय विभिन्न खेलों में एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश के सभी संसदीय क्षेत्र में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को खेल के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि यदि इसी प्रकार खेल का आयोजन होता रहा तो निश्चित रूप से जिले का खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करेगा। प्रतियोगिता के समापन सत्र में विभिन्न खेलों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रही टीमों को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि इन खेलकूद प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को निकालने का है और खेलों के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल सके। मंच का संचालन जिला मंत्री कशिश चौहान ने किया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के अर्पित चौहान, विक्रांत चौधरी, रवि बॉक्सर, अमन ठाकुर, पुष्पेंद्र सिंह, युद्धवीर सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे देश में बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसको हंट करना है, उसको निखारना है और देश में उस प्रतिभा को दिखाने का मौका देना है। इसी सोच के साथ हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे एमपी और सांसद खेल स्पर्धा जो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार कि यहाँ से ज़्यादा टैलेंट को हंट किया जाएगा और जिनको जब वो एक जो बेसिक मस्टर वो पास करेंगे और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ देगी, अगर उनमें वो प्रतिभा है जिसको निखारने के लिए वो सारे चीज़ें वो समझ सकते हैं। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी कोचेज हैं उनके सपोर्ट से जो टैलेंट आइडेंटिफाई किया जाएगा उनको वहाँ पर मौका दिया जाएगा, वो जो अच्छे टैलेंट होगा उनको हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो देश के लिए और खुद के लिए नाम रोशन कर पाए। देखिए, इस पहली बार शुरुआत है, इंडोर में बहुत सारी चीज़ें जितने इंडोर्स गेम हैं सभी हो रहे हैं, बाहर में ट्रैक इवेंट्स जो है बाहर में हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे साल आगे ये होगा नए नए स्पोर्ट्स को इसमें जोड़ा जाएगा, नए नए एक्टिविटीज़ को जोड़ी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट हंट करने का मौका मिले।